गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट से लेक्चर में डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टुडे वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो हम क्यों यूज करते हैं? तो टू गेट ए डिजायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल और मिक्सड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई भी सर्किट है उसके अंदर, सर्किट के अंदर डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट, मतलब जो करंट की वैल्यू हम चाह रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए, हम रेजिस्टेंसेज को या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या उनका मिक्सड कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद में एक आती है, इसमें एक टर्म आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। ठीक है, बार बार हम यूज करेंगे। तो इक्विवेलेंट का मीन क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस टाइप का रेजिस्टेंस होता है कि जो भी हमें रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उस कॉम्बिनेशन को हम एक सिंगल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, रिप्लेस तो कर देंगे, लेकिन उस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है और टर्मिनल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बिटवीन कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो करंट उसमें पहले फ्लो हो रही थी वही करंट बाद में फ्लो होनी चाहिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के बिटवीन था वो भी पोटेंशियल डिफरेंस से बाद में रहना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन रहती है, फुलफिल रहती है, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस होगा, वो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कहलाएगा। क्लियर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीन क्या होता है? इफ़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस, कैन बी रिप्लेस बाई ए सिंगल रेजिस्टेंस सच दैट देर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब जो भी रेजिस्टेंसेज का, चाहे उसमें टू है या मोर देन टू है, उन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस द्वारा क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया, बट वहाँ पर उस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्लियर, तो आपको बताया मैंने कॉम्बिनेशन होता है वो थ्री टाइप्स हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इसमें फर्स्ट अपना है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड अपना है पैरेलल, और थर्ड है इसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम स्टडी तो इनकी करेंगे फर्स्ट और सेकंड की। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, वो होता है इसमें केवल न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं इसमें, है ना, इस कॉम्बिनेशन पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जिसमें सीरीज भी रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी रहता है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मीन ये होता है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका जो सेकंड टर्मिनल है वो सेकंड के फर्स्ट से, और सेकंड का जो सेकंड है वो थर्ड के फर्स्ट से, और फर्स्ट और लास्ट रेजिस्टेंस के जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसका फर्स्ट टर्मिनल और लास्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल है वो हम किसे जोड़ते हैं? बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और इस टाइप की कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, बट इनके रेजिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण इनके पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। करंट के लिए तो इसमें कोई पाथ ही नहीं है, केवल ओनली वन पाथ है, वन पाथ रहेगा इसका मीन करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, बट इनके रेजिस्टेंसेज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इफ़ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड
सो दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू इच वन ऑफ देम. ओके, सेम करंट फ्लो थ्रू इच वन ऑफ देम, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर? लेट थ्री रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू आर कनेक्टेड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन एज शोन इन ए फिगर, एंड द सेम करंट आईज फ्लोज इज वन ऑफ ए देम, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज रेजिस्टेंसेज आर वी वन वी टू एंड वी थ्री रेस्पेक्टिवली. ओके, लेट आई बी करंट फ्लोज इन सर्किट एंड वी वन वी टू एंड वी थ्री आर पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू एंड आर थ्री respectively. Okay, so from Ohm's law V1 equal to I R1, current same है, resistance different है, resistance difference होगा तो different होगा तो potential difference भी different होगा. तो V1 equal to I R1, V2 equal to I R2 और V3 equal to I R3. Clear? और if total potential difference is V, then V equal to V1 plus V2 plus V3. V1 V2 will put कर देंगे तो I R1 plus I R2 plus I R3. I common आ जाएगा इसमें तो I bracket R1 plus R2 plus R3. Equation number one. Clear? If equivalent resistance of the combination is RS, then V equal to I RS. Question number two. From equation one and equation second, we get I RS equal to I R1 plus R2 plus R3. I से I cancel. तो आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्लियर? और इफ आर वन आर टू आर थ्री डैश डैश आर एन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इफ आर वन आर टू आर थ्री डैश आर एन रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड
इन सीरीज, अगर ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो क्या जाएगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश प्लस RN। इक्वेशन नंबर फोर हो गई है, तो क्लियर हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R3 रेजिस्टेंस के लिए RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और N रेजिस्टेंसेस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। ओके, अब आगे देखिए, हमने डिस्कस कर लिया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और N रेजिस्टेंसेस के लिए मैंने बताया था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखिए, इफ देयर आर N रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ऑल द रेजिस्टेंस हैविंग सेम वैल्यू, ऑल द रेजिस्टेंसेज हैविंग ए सेम वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है और N रेजिस्टेंसेज हैं और ये सीरीज में कनेक्ट है, उस कंडीशन में अपना जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R plus R plus R और प्लस N टाइम्स, इसका मीन क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू NR। मतलब सिंपल देखिए, थ्री रेजिस्टेंस हैं और सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या होगा, R plus R plus R plus R, तो इक्वल टू क्या आएगा, 3R। अभी मैंने यहाँ क्या लिखा था, NR, तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है, 3, डायरेक्टली क्या जाएगा, 3R। फिर देखिए इसमें आप कंक्लूजन से देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंसेस अपने को गिवन है उनका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम, और एल्जेब्रिक सम होगा वो किस इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। क्लियर, डायरेक्टली रेजिस्टेंस अपने को गिवन होंगे सीरीज में तो उनका हमें क्या करना है, डायरेक्टली उनका एल्जेब्रिक सम करना है, और सम कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर, सेकंड देखिए, द करंट फ्लोज थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेज इज सेम, जो भी रेजिस्टेंसेज हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जो उनमें करंट फ्लो होती है वो करंट की वैल्यू सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा अगर रेजिस्टेंसेज की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहाँ देखिए, द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेज, मतलब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, मतलब वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। क्लियर, फोर्थ पॉइंट देखिए इसमें, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा जो भी हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसमें जो ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी ग्रेटर होगा। देखिए R1 ऐसे सपोज कीजिए, थ्री रेजिस्टेंस है, R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होगा अपना 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू होगा 6 ओम। क्या है, 6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 6, इज ए ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ग्रेटेस्ट में कौन सा है, इंडिविजुअल में ग्रेटेस्ट कितना है, 3, उससे भी क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल जो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी ग्रेटर होगा। क्लियर, ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज।